देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसों पर प्रशासन और सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है। गुरुवार को एक ही दिन में 3 ट्रेनें पटरी से उतर गईं, जिसके बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर सरकार पर अपने अंदाज में बड़ा हमला बोला है। नए रेल मंत्री पीयूष गोयल को कामकाज संभाले अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि वहीं एक ही दिन में एक के बाद एक 3 रेल हादसों ने उन्हें भी विरोधियों के निशाने पर ला दिया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि पहले ही कहा था कि खुंटा बदलने से नहीं, संतुलित आहार देने और खुराक बदलने से भैंस ज्यादा दूध देगी। दरअसल गुरुवार की सुबह यूपी के सोनभद्र में रेल हादसे के बाद दोपहर में राजधानी दिल्ली में भी रांची राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। यह हादसा शिवाजी ब्रिज के पास हुआ। इसके बाद मुंबई पुणे के बीच खंडाला में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि मंत्रालयों के विभाग के बंटवारे के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि खूंटा बदलने से क्या भैंस ज्यादा दूध देगी। वहीं से पहले बढ़ते हादसों के कारण सुरेश प्रभु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब रेल मंत्रालय का कार्यभार पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।